Good evening, everyone. I am Sujaval Jagga, fortunate to have secured All India Rank 84 in Civil Services Exam 2021 and Rank 7 in Punjab Civil Services Exam 2020. As we discussed in yesterday's session, today we'll discuss entirely for prelims. Today we'll discuss the broadest strategy possible for covering the environment part for the prelims examination. See, environment is the most critical or most important segment of prelims because we know ki forestry ka jo exam hai wo aapke civil services ke exam ka prelims aur forest ka prelims same hota hai. So environment and then geography becomes the core of prelims. Ho sakta hai kisi attempt mein aapke polity ke question 2-4 kam ho jaye, economy ke kam ho sakte hain, बट आपका एनवायरनमेंट हमेशा के लिए अमर रहेगा और इसके क्वेश्चन बढ़ ही सकते हैं, इट विल नेवर कम डाउन. सो इन दिस लेक्चर विल सी हाउ प्रीवियस ईयर एनालिसिस कैन बी डन, हाउ इट हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर द प्रीलिम्स, कटिंग डाउन आवर एफर्ट्स, व्हाट ऑल बुक लिस्ट सोर्सेज टू बी फॉलोड. देन आई विल शेयर माई नोट्स ऑल्सो कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें करके, कलर कोडिंग करके, निमोनिक्स बना के अपना जो टाइम है वो कम कर सकते हैं और वो चीज़ें रिटेन भी रहती हैं. एंड देन सम थीम्स जिस पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो वो थीम्स अगर हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे और एटलीस्ट हमें पता होगा इस थीम से क्वेश्चन आना है, लेट्स से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड्स, स्पीशीज, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, सो ऑन एंड सो फॉर, तो उस पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे और मैं आपसे अपनी अप्रोच और अपने नोट्स भी शेयर करूंगा. तो इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, देन थीमेटिक टारगेटिंग जैसे मैंने आपको थीम्स बताई, देन निमोनिक्स, माय ओन प्रैक्टिस, माय ओन नोट्स, वो सब डिस्कस करूंगा. विल ट्राई टू रैप इट अप इन 30-35 मिनट्स, बट ट्रस्ट मी, वंस यू वॉच दिस वीडियो, आपकी एनवायरनमेंट की जो स्ट्रेटजी, एनवायरनमेंट की जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, उसके बाद वो कभी नहीं डगमगाएगी. ये मेरी आपसे कमिटमेंट है. बस एक बार शांति से, विदाउट बीइंग जजमेंटल, ये चीज़ें समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें जब किसी गोल पे, किसी जगह पहुंचना है ना, उसके लिए वी शुड नो कि जो उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री क्या रही है उस चीज़ की, तो उसके लिए आता है अपना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर एनालिसिस कि कितने क्वेश्चन आए हैं. अब ध्यान से इस बार चार्ट को देखो, इसमें आई हैव यू नो टैब्यूलेटेड एंड देन ड्रॉन दिस बार चार्ट्स फ्रॉम 2013 टू 2022 के एनवायरमेंट पार्ट से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं. सो यू विल सी इट रेंजेस फ्रॉम 15 टू 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, 17-18 क्वेश्चंस मैंने नीचे लिख भी दिया है. सो इट शोज कि मेरे 20% ऑफ माय प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, 20% ऑफ माय प्रीलिम्स की सक्सेस डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंट. ठीक है, इतनी क्लैरिटी मेरे को आ गई. बट आपको लगता है कि क्या इतना सा प्रीवियस ईयर एनालिसिस इनफ है, सफिशियंट है मेरे को एनवायरमेंट कैरी स्टार्ट करने के लिए? नो, मैं आपको बहुत ही अब डिटेल्ड लेवल और थीमेटिक लेवल के एनालिसिस में लेके जा रहा हूँ. एंड वंस वी आर डन विद दिस एनालिसिस यू विल रियलाइज कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितनी थीम्स रिपीट हो रही हैं, और अच्छा ऐसे तैयारी करनी थी. ऐसे करने से अभी यू हैव अराउंड 5-6 मंथ्स रिमेनिंग, मोर देन सफिशियंट है. जितनी आपकी प्रीलिम्स को लेकर एंजाइटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपको एक वे आउट भी पता लग जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कैसे करनी है प्रीलिम्स के लिए, राइट? अब ये टेबल देखो, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सहज से और शांति से देखना. If you look at it, you will see कि 2015 में International Organization and Convention से 7 questions आए. Then एक governance है, governance, environmental governance में मतलब environment related laws and institutions. Laws में आ जाएंगे Wildlife Protection Act, Biodiversity Act, Forest Conservation Act, Forest Rights Act 2016, so on. Then उसकी bodies, Ministry of Environment, Forest, then Coastal Management की bodies हैं, आपका दैट अभी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की फॉर्मुलेशन के लिए जो दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 2020 में, तो इसमें 4 क्वेश्चन आ गए थे. तो स्पीशीज मींस डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, इनका IUCN स्टेटस, इनका हैबिटेट, इनका यूनिक फीचर. देन प्रोटेक्टेड एरियाज में आएगा आपका नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन वेटलैंड्स ऑल्सो. अभी वेटलैंड का काउंट बहुत ऊपर चला गया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट वेटलैंड से आ जाए. देन प्योर करंट, बिल्कुल ही करंट अफेयर में कोई इवेंट हुआ, उसका कोई इफेक्ट उन्होंने पूछ लिया. देन वर्ड एसोसिएशन मीन्स सिंपली एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया एंड देन उसका ऑप्शन में पूछ लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेटेड है. लेट्स सपोज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, क्लाउड सीडिंग, देन एक केमिकल का नेम ले देंगे और वो बताएंगे कि ये केमिकल एक पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, कोई टॉयलेटरीज है, सो ऑन.
एंड देन स्टैटिक आपके फास्फोरस साइकिल, कैल्शियम साइकिल, बायोरेमेडिएशन, पॉल्यूशन एंड वो वाली चीज़ें। तो टोटल में अगेन आप यहाँ भी यू विल रियलाइज दैट अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन अपने पास आने हैं, जिसकी अगर मैं एक लेवल और डिटेल में जा रहा हूँ तो आई एम एबल टू सी कि एवरी ईयर मेरा 2015 to 2020 में गवर्नेंस से दो तीन क्वेश्चन की एवरेज रह रही है। 2019 में तो 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। फिर मैं अगर स्पीशीज भी देखता हूँ, इसमें भी मेरे 2-3 क्वेश्चन आने हैं बर्ड्स एनिमल्स रिलेटेड। देन प्रोटेक्टेड एरिया से भी अराउंड 2 क्वेश्चन आने हैं, करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन आने हैं, वर्ड एसोसिएशन में 2 क्वेश्चन आने हैं, देन स्टैटिक से 3-4 क्वेश्चन आने हैं। 2020 में अगर आप देखोगे, मैंने ये 5+4 लिख के इसको ग्रीन किया हुआ है। 5+4 मीन्स 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट को मर्ज करके आ गए थे। वो एक यूनिक थीम थी जो सिर्फ 2020 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। और 4 क्वेश्चन एनवायरमेंट के स्टैटिक के थे। एंड एक चीज़ और इसमें ऑब्जर्व करने वाली ये है इस एनालिसिस में, जो मैंने ग्रीन ग्रीन किए हुए हैं, कि 2015 और 16 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन से डिसप्रोपोर्शनेट क्वेश्चन आ गए, मतलब एक ही थीम को बिल्कुल ऊपर ले गए। देन 2018 में भी अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड एसोसिएशन पे 4 क्वेश्चन आ गए। 2019 में गवर्नेंस से 5 क्वेश्चन आ गए डिफरेंट लॉज से। 2020 में एग्रीकल्चर से 1 क्वेश्चन आ गए। तो इससे अपने को यह भी पता लगता है कि एनवायरनमेंट के अंदर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के ही ऊपर ले जाएंगे, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपका मोर और लेस सेम रहेगा। 2-4 क्वेश्चन स्टैटिक से, 2-4 क्वेश्चन करंट और वर्ल्ड अफेयर से, वर्ल्ड एसोसिएशन से, बाकी 1-1, 2-2 आपके प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, स्पीशीज, गवर्नेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका टेक अवे ये है कि जब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपनी स्टैटिक की बुक पढ़नी है, अपना करंट अफेयर्स पढ़ने, सो अगर कोई स्पीशीज के बारे में कुछ आता है, गवर्नेंस के बारे में कुछ आता है, तो उसको एक तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। और अभी मैं आपको इन सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाने भी वाला हूँ और अपने नोट्स भी दिखाने वाला हूँ, तो यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन की थीम रिपीट होती है। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि स्पीशीज से क्वेश्चन आना है, तो भाई किस चीज़ तरह का क्वेश्चन आना है, क्या क्या फैक्ट मेरे को याद करने हैं, नेशनल पार्क आना है तो किस तरह का क्वेश्चन आना है, और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, मैंने कैसे बनाए थे। सो आई विल डू माई बिट टू शेयर एवरीथिंग आई डिड विद यू, सो दैट यू अंडरस्टैंड माई थॉट प्रोसेस, और जितना हो सके आपका एफर्ट, आपका टाइम कम हो जाए और आपकी एंग्जाइटी कम हो जाए और आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, बिकॉज मोस्ट पीपल आर पुटिंग इन देयर हार्डवर्क, थोड़ा डायरेक्शन की कमी होती है तो दे आर नॉट एबल टू रीच द डिजायर्ड गोल। माई ऑब्जेक्टिव हेयर वुड बी टू हेल्प यू रीच दैट सक्सेसफुल पॉइंट। ये मेरा हो गया PYQ एनालिसिस, ठीक है। अभी अपन 2-4 ये टॉपिक्स हैं, इसको अपन डिटेल में जाएंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो स्टैटिक हर बंदा कर लेता है, करंट अफेयर्स अपनी PT3 से बढ़िया से आप कर लेते हैं, बट प्रीवियस ईयर एनालिसिस और ये स्पेसिफिक जो थीम्स हैं, स्पीशीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, इसको स्मार्टली रटना कैसे है, कहाँ से रटना है और कैसे अपन निमोनिक्स बना सकते हैं, जो मैंने निमोनिक्स बनाए थे वो भी शेयर कर दूंगा, कैसे मैप वर्क करना है उसमें, बस मेरे को आपके 15-20 मिनट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर स्पीशीज या एनिमल्स या बर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया था। ये है मेरी PDF। व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले तो मैंने किया इसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस एनवायरनमेंट का, मैंने देखा कि किस कौन से स्पीशीज से क्वेश्चन आया है ना, घड़ियाल से आया, लेदर बैक टर्टल पूछा, स्वाम डियर पूछा, देन क्या पूछा, विच आस्पेक्ट आस्ट, IUCN स्टेटस पूछा, देन दे आस्क कि नेचुरली इंडिया में मिलता है या नहीं मिलता, ये मैमल्स है या नहीं है, कौन सी स्टेट में मिलता है, इसका डिक्लाइन का रीज़न क्या है। तो मतलब मैंने क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लिया, एक स्पीशीज कौन सी पूछी और एक क्या चीज़ पूछी, एंड देन मैंने अपना कमेंट लिख लिया कि यार ठीक है, आसान था या प्योर करंट अफेयर्स से था या निमोनिक में कवर हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे कर करके, बिकॉज आई गेव द 2020 वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मैंने 2019 तक का आपको ये एनालिसिस दिख जाएगा। गंगा रिवर डॉल्फिन डुगोंग पे आया हुआ है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पे आया हुआ है, खराई क्रैमल पे आया हुआ है। सो वेन एवर आई एम प्रिपेयरिंग माई स्टैटिक और मैं न्यूज़पेपर कर रहा हूँ, तो इफ़ आई नो कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ वो पूछते हैं और कहाँ पे जनरली एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो मेरा एरर का रेट बहुत कम हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स, आप वो खेलने से पहले अपने कंपटीशन को, अपने कंपटीटर को, ओपोनेंट को स्टडी करते हो कि उसका दिमाग क्या चलता है, उसने आज तक कैसी बॉल करता था, वो इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है या स्पिन होती है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, आई विल डू दैट एनालिसिस, और मेरे को पता होगा कि जनरली इसकी यॉर्कर आती है और ये यॉर्कर से बंदा बोल्ड हो जाता है, तो आई विल बी मोर प्रिपेयर फॉर दैट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप ऐसी चीज़ें हर सब्जेक्ट के लिए कर लोगे तो आपका एफर्ट बहुत कम हो जाएगा और आपको कभी भी प्रीलिम्स और मेंस में भी इतना ही रेलेवेंट है PYQ एनालिसिस। मेंस में इकोनॉमी और स्ट्रेटजी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट का मेंस एनालिसिस आप कर चुके हैं और वो मैं आपको हीट मैप भी दे चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये मैप कर लिया पहले तो, कि अच्छा इतने तरह की ये स्पीशीज पूछ चुके हैं, उसका एक हैबिटेट पूछा, जनरली हैबिटेट पूछते हैं, राइट।
फिर या फिर स्पेसिफिक फैक्ट पूछ लेंगे उसी स्पीशीज के बारे में, डोंग का पूछ लिया, खड़ई कैमल पूछ लिया, रेड सेंटर्स पूछ लिया, एंड देन मैंने देख लिया कि या प्रिपेयर करना आसान था या डिफिकल्ट था, और ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ वो मेन पिछले टेबल में शेयर भी कर दिया कि किस साल से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को एवरेज 1.8 थी कि दो क्वेश्चन आएंगे, और 2020 में 3-4 क्वेश्चन आए और मेरे सारे ठीक हुए थे, ठीक है। फिर ये मैंने अपना एनालिसिस था किया हुआ है, 1 सितंबर को मैं कर रहा हूँ बैठ के, अक्टूबर को प्रीलिम्स था कि रेपिटेशन नहीं हो रही है जनरली, है ना, 7-8 पेजेस विल बी इनफ, और ऐसे करके ये मैंने चीज़ें लिख ली, और ये आ गए एक्चुअली एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट भी कर लेना है, और ये क्वेश्चन हर 1-1.5 महीने बाद सॉल्व जरूर करना, ताकि आपको एक तो फैक्ट याद हो जाए, एक आपकी तैयारी हो जाए, और एक आप यूपीएससी की तरह सोचने लगो कि यूपीएससी के क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, राइट। ये मैंने स्पीशीज़ को रेड किया हुआ है, कौन सा एस्पेक्ट पूछा ये लिखा हुआ है, स्पीशीज़ पूछी हुई हैं, ये ईयर मैप किया हुआ है, एंड देन आंसर क्या था इसका और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये चीज़ें आप आराम से प्रिंट करके इसको पढ़ सकते हो, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू माई थॉट प्रोसेस। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करो, उसके क्वेश्चन पढ़ो, देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसके बाद अपना स्टैटिक और करंट अफेयर्स पढ़ो, वो भी आपसे मैं अभी शेयर करूँगा, और फिर मॉक टेस्ट दो, एकदम सॉर्टेड रहोगे, कभी कभी प्रीलिम्स में टेंशन होगी ही नहीं। जैसे ये मैंने सिंबल लगा रखा है ना, ये आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, दिस वो यूज टू बी अ डेंजर सिंबल फॉर मी कि यार इस तरह के क्वेश्चन में मैं जनरली गलती करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में मेरा आज भी गलत होता है, सो इट वॉज जस्ट टू हाईलाइट फॉर माई सेल्फ। ये प्रीवियस ईयर की PDF आपको ग्रुप में या SRT की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप भी प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन पढ़ना इसे कम से कम। आई हैव रेड इट 4-5 times एंड देन आई गॉट द थॉट प्रोसेस ऑफ UPSC और द क्वेश्चन मेकर ऑफ UPSC कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह की गलती होने के चांसेस हैं और इस तरह का आंसर होगा, यू विल जस्ट गेट दैट हंच कि इसका यही आंसर होना है, एंड दैट इज वाई सम पीपल एवरी कंसेक्यूटिव ईयर सिक्योर मच बियॉन्ड द कट ऑफ इन प्रीलिम्स, एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इन 3 or 4 attempts ऑल्सो। उसका रीजन यही है कि बस आपको वो थॉट प्रोसेस समझना है, फैक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जिसने 1 साल अच्छे से तैयारी कर ली, ठीक है। ये आराम से आप शिद्दत से इस पर नज़र मारना, ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं 2019 तक, इसके सॉल्यूशन भी हैं, इसे आपने 2-3 बार सॉल्व भी करना है और क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे नोट्स कि इस सब के एनालिसिस के बेस पे मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे। अब ये देखो मैंने क्या किया था कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, अपने को पता है 4-5 स्टेटस है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लिस्ट कंसर्न, और वो 4-5 स्टेटस होते हैं, तो मेरे को पता था कि IUCN स्टेटस जनरली पूछ लेते हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड उन सबके मैमल्स, बर्ड्स वगैरह के अलग अलग नोट्स बना लिए, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे उसको रेड हाईलाइट कर दिया मैंने, जो दूसरे थे उसको ग्रीन कर दिया, किसी को ब्लू कर दिया, तो इससे मेरी एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई कि यार वो वाला स्पीशीज का नेम मैंने लेट्स से नामडफा फ्लाइंग स्क्विरल है, कल को क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे इतना तो पक्का याद आ जाएगा कि वो रेड बैकग्राउंड में मैंने लिखा हुआ था नामडफा फ्लाइंग स्क्विरल, अगर रेड बैकग्राउंड में लिखा था तो पक्का वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। वैसे स्पेसिफिकली मैं चाहे कन्फ्यूज हो जाऊँ कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड था या एंडेंजर्ड था, बट कलर कोडिंग से कभी मैं कन्फ्यूज नहीं होऊंगा। देन मैंने छोटी छोटी फोटोज भी गूगल से डाउनलोड करके यहाँ ऐड कर ली, और वो भी यूनिक यूनिक सी, इससे मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी और स्ट्रॉन्ग हो गई। देन मैंने आपका पीछे प्रीवियस ईयर एनालिसिस में भी देखा है कि वो स्पेसिफिक फैक्ट पूछ लेते हैं, हैबिटेट पूछ लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे हैबिटेट भी लिख लिया और स्पेसिफिक फैक्ट्स भी लिख लिए हर उसके अगेंस्ट, हर स्पीशीज के अगेंस्ट, कि तमिलनाडु में मिलता है, एंडेमिक है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैंने वही फैक्ट्स आइडेंटिफाई करे, बाकी चीज़ों में फोकस नहीं किया। देन मैंने ये निमोनिक भी बना लिया इसके और ऊपर कि मेरे को पता होगी यार इसमें 9 ही मैमल्स हैं, इसके अलावा अगर कोई मैमल पूछेंगे तो वो पक्का गलत है, कि SSRC के मैंने 4 हैं, जैसे नामडफा फ्लाइंग स्क्विरल का S, अंडमान श्रू का S, निकोबार श्रू का S, एंड जैकी श्रू का S, देन अलवायरा रेड R, मालाबार सीवेट CS, SSRC एक कॉलेज है ना, SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो मैंने SSRC कर लिया। देन कश्मीरी हंगुल था, और एक लेमन कुछ लेमूर था, उसके बाद पेंगोलिन था, एंड देन हिमालयन बियर था, तो मैंने उसका बना लिया कश्मीर में लेमन पान और बियर, ठीक है, एंड देन सुमात्रन राइनोसेरोस था, तो मैंने उसका लिख लिया सुमन, ऐसे ऐसे करके मैंने याद कर लिए। सो माई नोट्स विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू, एंड दिस शुड गिव यू थॉट प्रोसेस फॉर योर एंशियंट मेडिवल और ऑल सब की प्रेपरेशन ऑल्सो, कि यार ऐसे निमोनिक बना सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं, पिक्टोग्राफिक चीज़ कर सकते हैं, जिससे मेरी तैयारी आसान हो जाए। अब ये थे वल्नरेबल वाले थे शायद, ये एंडेंजर्ड है सिर्फ, ये मैंने ग्रीन में कर लिए कि रेड और ग्रीन का इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है हमेशा मेरे को याद रहेगा। साथ ही ये फोटो आ गई कि है ना स्टेट एनिमल ऑफ UK है, ये स्पेसिफिक फैक्ट्स, हैबिटेट हिमालयाज में इसका हैबिटेट है, ये स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है, इसे सनगाय भी कहते हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, तो देन नीलगिरी तहार पे भी आया हुआ है,
और देखो नीलगिरी तार, नाम तो नीलगिरी है बट ये स्टेट एनिमल तमिलनाडु का है, ये मैंने लिख के हाईलाइट भी कर लिया, बोल्ड भी कर लिया, और ये एंडेमिक है नीलगिरी हिल्स पे। तो ऐसे की करके आप चीज़ें आप भी कर सकते हो स्पीशीज़ को लेके। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सिमिलरली मैंने यूनिक यूनिक सी फोटोज़ करी हुई हैं। और ये देखो यहाँ पे डुगोंग के साथ मैंने 2015 लिखा भी हुआ है, टू हाईलाइट माई सेल्फ, 2015 में ये आया हुआ है। फिर इंडियन स्टार टोर्टोइस, इसका भी मैंने लिखा कि कौन से स्केड्यूल में आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। अदरवाइज हर स्पीशीज़ के लिए आपको 10 10 15 15 फैक्ट याद करने पड़ेंगे, और अगर 100 मान लो एनिमल्स या बर्ड्स हैं तो आप 1500 फैक्ट थोड़ी याद कर लोगे यार। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस जब तक आप नहीं देखोगे किस तरह का क्वेश्चन आता है, यू विल ऑलवेज रिमेन मिसडायरेक्टेड, यू विल ऑलवेज बी इन एंजाइटी कि ये तो मेरे को याद ही नहीं हो रहा, ये तो मेरे से रटा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं फेल हो जाएंगे। और जब तक निमोनिक भी नहीं बनेंगे तब तक भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा वो। जैसे डुगोंग का मैंने बना लिया, क्लाउड को डक करके बियर पियेंगे। अब क्लाउड मतलब क्योंकि इसका शायद वो था एंडेंजर्ड वालों का, जैसे मैंने उसका ये एस एस आर सी लिखा हुआ था ना, एस एस आर सी कश्मीर में लेमन पान और बियर, इसका मैंने क्लाउडेड लेपर्ड, डग यानी डुगोंग, बियर यानी स्लॉथ बियर, इन तीनों को याद करने के लिए किया हुआ था। सिमिलर थिंग्स यू कैन ऑल्सो डू फॉर एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, सब के लिए, हिस्ट्री के लिए भी। ठीक है, ये हुआ मेरा स्पीशीज। स्पीशीज में मेरे को पता लग गया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हैबिटेट, IUCN स्टेटस, स्पेसिफिक फैक्ट, दो दो क्वेश्चन आते हैं, उसके नोट्स, कलर कोडिंग, निमोनिक और ऐसे फोटोग्राफी में याद कर सकता हूँ। और ये मेरे को करना है, मेरे को छोड़ के नहीं जाना। आई हैव टू स्पेंड 10 to 15 मिनट्स डेली फॉर अराउंड 10 to 15 डेज, आई एम सॉर्टेड। और मेरे को पूरी की पूरी बुक याद करने नहीं बैठना, मेरे को पता होना चाहिए कि स्पीशीज से दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। और फॉरेस्ट्री का एग्जाम साथ ही है फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो भाई स्पीशीज के क्वेश्चन हमेशा आएंगे, कभी नहीं हो सकता कि वो एकदम पूछना ही बंद कर दें। ठीक है, अभी एक थीम होगी स्पीशीज। अब आप चलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज पे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, इनसे भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप पीछे देख लिए हैं। द आइडिया टू शेयर यू नो टू सिट एंड मेक दिस वीडियो इज कि एनवायरमेंट विल बी योर द यू नो द लास्ट नेल इन द कॉफिन। इकोनॉमी और पॉलिटी फिर भी काफ़ी लोग टैकल कर लेते हैं, एनवायरमेंट की बड़ी ऑब्सक्योर सी चीज़ें आ जाती हैं और आनी ही आनी है 18 से 20 क्वेश्चन। इस पर थोड़ी अपनी कमांड बनी होगी ना, तो फिर अपने को प्रीलिम्स में कभी टेंशन नहीं होगी। तो इसमें करना क्या है, अब प्रीवियस ईयर एनालिसिस मुझे बताता है कि प्रोटेक्टेड एरिया से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो पूछ लेंगे इस प्रोटेक्टेड एरिया की, इस नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट में है, कौन से क्लाइमेटिक जोन में। फिर ये यूनिक जियोग्राफिकल फीचर पूछ लेंगे, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज़ ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, और विच नेशनल पार्क हैज़ दिस टाइप ऑफ सॉयल, या विच नेशनल पार्क इज कवर्ड विद स्नो, ऐसे करके। देन वहाँ से कौन सी रिवर पास कर रही है, या एक स्पेसिफिक वहाँ पे कोई आपको एनिमल मिलेगा, जैसे गिर फॉरेस्ट में आपको गुजरात में एशियाटिक लाइन मिलेगा, या फिर आपको असम में काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो मिलेगा। एंड देन पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अब बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती हैं, तो कौन से बायोस्फीयर में कौन कौन सा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ऐसे की भी दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। हैविंग डन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस मुझे पता था ये 4 5 फैक्ट मुझे हर नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के लिए करने हैं, और एक बार कर लिए तो मेरे दो तीन क्वेश्चन ये भी पक्का ठीक है। आई थिंक इट विल यू नो इट विल लुक कि यार बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, ये लोग बहुत जीनियस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आई वुड बी रैदर बिलो एवरेज देन द यू नो जीनियस और द इंटेलेक्ट यू पीपल माइट हैव, बट इट इज़ ऑल अबाउट सीइंग कि मुझे चाहिए क्या उस गोल पे पहुंचने के लिए, एंड देन मेकिंग एफर्ट फॉर दैट, रादर देन मेकिंग एफर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वट इज़ बींग फॉलोड बाई द मास। आपको अपना दिमाग लगाना है और रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, एंड यू विल ऑलवेज गेट थ्रू। UPSC का सबसे बड़ा क्लू उसके सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर्स में है। तो अब ये तैयार कैसे करना है, 20 से 30 मिनट डेली पढ़ो रटने वाली चीज़ों को, एनवायरनमेंट के, रात को या दिन में, या अपने किसी दोस्त के साथ अलग अलग निमोनिक्स बनाओ, मैप्स पे वो करो, मैपिंग करो, और अलग अलग कलर कोडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आज के, ये मैंने आपको बता दिया ना कि लोकेशन पूछेंगे, जियोग्राफिकल फीचर पूछेंगे, रिवर पूछेंगे, स्पीशीज पूछेंगे, या बायोस्फीयर रिजर्व से पूछ लेंगे कि कौन से आते हैं। 2015 में देखो आप, इन्होंने क्लाइमेटिक फीचर पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वाम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन। ठीक है, देन 2015 में दूसरा पूछा कि अभी यार किसी कई लायंस को आप गुजरात से रिलोकेट करने का प्लान कर रहे हो, तो कहाँ पे रिलोकेट करने का प्लान कर रहे हैं, ये चार चीज़ें पूछ ली। 2017 में अगेन क्लाइमेटिक फीचर पूछ ली, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक आपको किस तरह के नेशनल पार्क में मिलेगा, राइट। देन 2017 में भी उन्होंने पूछ लिया कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में कौन से वाला लिंक बनाएगा नेशनल पार्क। अगर आपने मैपिंग करी हुई है ढंग से, अगर आपने डेली बेसिस पे रिवाइज किया हुआ है, और आपने स्टेट वाइज कोड्स बना रखे, निमोनिक बना रखे, अभी अगली स्लाइड पे डिस्कस करता हूँ, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होते यार। और आप देखो 2015 में दो क्वेश्चन है, 17 में दो क्वेश्चन है, 18 में एक है, 19 में दो तीन है,
और ये वो वाले क्वेश्चन है जो जनरली लोगों के गलत होंगे, जो आपकी कट ऑफ पक्का नीचे लेके जाएंगे, जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। और इसको अगर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे थोड़ा सा एफर्ट मार लोगे तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपकी ग्रिप में आ गए, ईजी वाले तो आए ही होंगे, तब तक प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, है ना। देन 2018 में पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है, ये पूछ लिया। देन फिर अगेन क्लाइमेटिक फीचर पूछा, और ये फिर अगेन 19 और 20 के क्वेश्चन है। 20 में तीन क्वेश्चन आ गए, मैंने आपको बताया, मैंने 20 का अटैम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट, इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हुए थे, जस्ट बिकॉज आई हैड डन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था, आई वॉज कंप्लीट एनजाइटी, है ना, मैंने मॉक टेस्ट सिर्फ 15-20 ही लिखे थे, एंड 92 वॉज द कट ऑफ आई थिंक, एंड आई हैड गॉट 107 से भी ज़्यादा, मेरे 107 पॉइंट समथिंग थे, तो मतलब 15% अबव द कट ऑफ, इवन मोर देन 15%। और मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा था प्रीलिम्स के लिए, बस प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके वही वही चीज़ें करी थी जो मुझे दिख रहा था कि यूपीएससी पूछ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी ये सब ऐसे ही करो। अब ये थोड़े से नहीं मोनिक आपके लिए, है ना, डेमो के तौर पे एक बार पढ़ लो। कि लेट से असम है, असम में जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी जब 5 ही नेशनल पार्क थे, अब शायद एक और इंक्लूड हो गया है, दिहांग दिमांग नहीं, वो शायद अरुणाचल में है। तो अभी देखो मैंने एक कोड बना लिया था, दिब्रू साई का मोंक, मोंक में चार आते हैं MONK, मानस ओरांग NSA कुछ है, फिर KSA काजीरंगा, नामेरी काजीरंगा, MONK मोंग मेरे को पक्का याद है, आसाम में होंगे। एंड देन मैंने दिब्रू साई इंक्लूड कर दिया, दिब्रू साई खोवा भी एक नेशनल पार्क है, तो मेरे 5 नेशनल पार्क हो गए। देन हरियाणा के लिए मेरे को पता है हरियाणा में 2 नेशनल पार्क्स है, तो मैंने उसका भी कोड बना लिया, काला सुल्तान, कालेसर है एक और एक सुल्तानपुर है। जब ऐसे के निमोनिक्स मैंने 28 स्टेट्स के लिए बना लिए और मैंने उसे कम से कम 10-12 बार डेली बेसिस पे पढ़ लिया, तो मतलब ही नहीं है कि मेरा कभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ये एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो वे यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स विदाउट डूइंग दिस स्पीशीज प्रोटेक्टेड एरियाज, वेटलैंड्स, एनवायरमेंट का गवर्नेंस वाला पार्ट, या इंटरनेशनल कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की एवोल्यूशन। ये 4-5 थीम्स तो आपको करनी पड़ेंगी, इसके बिना प्रीलिम्स तो कतई क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। फिर गोवा, ऐसे हंसी वाले कॉमेडी वाले निमोनिक बनाओगे तो पक्का याद रहते हैं। एंड यू शुड मेक सच निमोनिक्स कि सुनते ही बहुत आपको ऑकवर्ड लगे, बहुत ऑब्सक्योर लगे, बहुत वियर्ड लगे। अब गोवा में शायद मोलन नेशनल पार्क है, तो मैंने उसका निमोनिक बनाया हुआ था, गोवा का माहौल ही अलग है, है ना। अब गोवा का माहौल अलग है, ईच वन ऑफ यू नोज, और उसी को मैंने निमोनिक बना लिया, मैं कैसे भूल जाऊंगा। थ्रू आउट माई लाइफ आई विल नेवर फॉरगेट कि असम में मोंक है, MONK, और गोवा में ये है। देन गुजरात में 4 है ना, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, वैन यानी वंशाधार है, गिर यानी गिरा यानी गिर, एंड मर यानी मरीन, तो ब्लैक वैन से गिरा और मर गया, ब्लैक वैन से गिरा और मर गया। देन लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, हाई मिस आई एम फ्रॉम लद्दाख एंड आई एम लार्जेस्ट, वो शायद लार्जेस्ट और हाईएस्ट नेशनल पार्क है, तो मैंने ऐसे याद कर लिया। उड़ीसा में है भितरकनिका शायद और सिमलीपाल, तो उड़ीसा वाले भीतर जो सिंपल होते हैं, यू नो, मेक सच काइंड ऑफ निमोनिक्स, इट विल हेल्प यू इन मल्टीपल मैनर। एक बार ही बस निमोनिक बनाना है, वो याद करना है और कभी पूरी लाइफ नहीं आप भूलोगे उसे कभी। देन त्रिपुरा में बाइसन और लेपर्ड क्लाउड में ट्रिप मारने गए, तो ट्रिप मारने गए त्रिपुरा का कोड है ये, मेरे को इससे याद रहेगा, एक बाइसन नेशनल पार्क है और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, तो बाइसन और लेपर्ड क्लाउड में ट्रिप मारने गए। ऐसे के निमोनिक्स आप बाकी स्टेट्स के लिए आपको बनाने हैं, कुछ स्टेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बाकी स्टेट्स के निमोनिक्स, है ना, वो अब आपको खुद एफर्ट मारना है, ठीक है। ऐसे कर करके आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिल्कुल सिलेक्टेड सी, और वेटलैंड्स और बायोस्फीयर रिजर्व, डेली का आधा घंटा आपको एक महीने के लिए दे लो, सॉर्टेड। और आपका मॉक टेस्ट में ही, हर मॉक टेस्ट में भी 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, 10-10 नंबर सीधा बढ़ेंगे आपके मॉक टेस्ट में, गारंटी वाली बात है। एक बार ये एक्टिविटी कर लो, अगर फिर भी कोई डाउट बचे आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, और ये सारी PPT नोट्स आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर अगर आपने रजिस्टर किया हुआ @sarthi पे अपने GS3 के बूट कैंप वाले फ्री कोर्स पे, तो वहाँ पे तो आपको अपलोड में मिल ही जाएगा, लेक्चर वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे इकोनॉमी सिक्योरिटी और बाकी वाले भी, ठीक है। इसके निमोनिक्स बाकी स्टेट्स के अपने ही बना लो। अब मैं आपको छोटे से अपने नोट्स भी शेयर कर देता हूँ इसमें, है ना, ये देखो भी, ये मैंने ऐसे मैपिंग करके निमोनिक्स बनाए हुए थे। बायोस्फीयर रिजर्व का आपको पता ही होगा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है शायद, 11 उसने यूनेस्को ने रेकग्नाइज किए हुए थे, बाकी नहीं किए हुए थे, तो मैंने उसके लिए ये बना रखा था याद करने के लिए कि कौन से यूनेस्को ने किए हैं कौन से नहीं किए। दीदी और माँ, पन्ना में शीशा लाए,
तो वो कोल्ड हो गया और कुछ नहीं मिला, है ना। अब ये पन्ना मैंने काट दिया क्योंकि पन्ना शायद रिकग्नाइज हो गया था बाद में, 2020 में नहीं था। तो दीदी में शायद दिहांग दिबांग था, शीशा में शेषाचलम था, कोल्ड में कोल्ड डेजर्ट था, कच्छ में कच्छ नेशनल पार्क था, ऐसे ऐसे करके मैंने ये लिखे हुए, सॉरी नीचे ये सारा लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे करके आपको भी करनी है चीज़ें। फिर ये मैंने कुछ सेलेक्टेड से, अभी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें मेरे को पता है कि पिन वैली नेशनल पार्क आएगा, और ये मैंने कोड बना लिया CSK, ठीक है ना। CSK मोस्टली लोगों को पता ही होगा, चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसमें ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रताल, सरचू, खिलबर। मैंने अलग अलग कलर से भी लिख लिया और मैप भी कर लिया, तो मैं रोज़ रोज़ इसे देखूंगा, मेरे स्टडी टेबल पे पेस्टेड होगा, तो मेरी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में बैठ जाएगा। देन सुंदरबंस में कौन कौन सा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मैंने वो लिख लिया, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व में, सॉरी। ठीक है, ये मेरी मैपिंग है, नंदा देवी में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है। ऐसे ऐसे करके आपको भी करना है। इट विल टेक सम टाइम, इट माइट लुक ओवरवेलमिंग, इट माइट यू नो मेक यू फील दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट सत्य यही है, इसके किए के बिना कोई गुजारा, कोई निर्वाणा नहीं है। अभी टाइम है, एंड आई कैन यू नो आई कैन जस्ट गिव यू अ कमिटमेंट और एश्योरेंस कि ये चीज़ कर लोगे। वंस यू डू इट, एवरीथिंग लुक्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। वंस यू डू इट, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे यार, आपका प्रीलिम्स का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एंशियंट मेडिवल में एक दो थीम्स हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म वाली, और ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में एक वो एक्ट्स और बिल्स से क्वेश्चन आना है, और ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर में आपको गुप्ता पीरियड और मौर्यज और मुगल एम्पायर से आना है, दैट्स इट। ये 8-10 थीम से क्वेश्चन आने ही आने, अच्छे से करो, बाकी अपना स्टैटिक करो और PT 365 करो और मॉक टेस्ट करो। ये प्रीलिम्स का मेरे हिसाब से लेसन है। मैंने पंजाब का प्रीलिम्स भी क्लियर किया हुआ है, एंड आई हैड सिक्योर्ड लाइक वन ऑफ द हाइएस्ट इन प्रीलिम्स, 10% ऊपर था मैं, मतलब 244 245 वॉज द कट ऑफ फॉर पंजाब प्रीलिम्स, एंड आई हैड गॉट 270+, विच इज़ लाइक मतलब वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट। और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था उसके लिए, इट इज़ ऑल दैट आई हैड डेवलप्ड द थॉट प्रोसेस कि यार ये क्वेश्चन बनेगा कैसे और कहाँ कहाँ पे गलती, एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत बनाएगा, मुझे बस वो आइडेंटिफाई करनी है। वंस यू डेवलप दैट हंच, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ऐसे के करके ये मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ था, नीलगिरीज वाले पे तो क्वेश्चन आया भी हुआ, शायद अगस्ता मलाई पे आया हुआ है। नीलगिरीज के लिए मैंने बना लिया कि अच्छा ये नेशनल पार्क हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सिमिलरली NPS न्यू पेंशन स्कीम बहुत चल रही है ना करंट अफेयर्स में भी, तो नैयर पेपर और ये KMTR, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप भी बना लोगे, ठीक है। मेरे स्पीशीज भी होगी, मेरे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी। अब लेट्स मूव टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशंस। मैंने बताया 2015 में शायद 5 क्वेश्चन आए थे, 16 में 10 क्वेश्चन आए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशंस के लिए ये है प्रीवियस ईयर एनालिसिस, सेम टू सेम आप अपने हाथ से लिख के अपनी स्टडी टेबल पे लगा सकते हो, इसे ही प्रिंट करना है तो इसे भी लगा सकते हो। 2014 टू 2019 का, 2021-22 का आप अपने आप ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने 20 का अटैम्प्ट देना था तो मैंने उस हिसाब से तैयार किया था। इफ़ यू सी, अर्थ आर पूछा है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पूछा है, वेटलैंड इंटरनेशनल पूछा है ना, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी पूछी है, तो यू विल नो कि कौन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह की नहीं है, और उससे फिर किस तरह का क्वेश्चन आना है। इफ़ यू नो टू थिंग्स कि किस तरह की क्वेश्चन है और किस तरह की स्टेटमेंट है, और उसी हिसाब से बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लो। जो नहीं पूछी हैं, जो पूछी हुई हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगी, दैट्स इट, दैट्स यू एंटिसिपेट द पेपर। अब ये करना कैसे है, क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब बेस्ड ऑन माई प्रीवियस ईयर एनालिसिस कि क्या क्या चीज़ें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में। पहले तो आपको ये देखना है कि हु स्टार्टेड दैट इनिशिएटिव और बॉडी। लेट्स से इन्होंने ये पूछा था GIAHS 2016 का 4th क्वेश्चन है, ग्लोबली जन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट समथिंग लाइक दिस, ये FAO का इनिशिएटिव है एज फार एज आई रिमेंबर। तो दे आस्क ये किसने शुरू किया है, देन ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है, ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हु स्टार्टेड दैट इनिशिएटिव और दैट बॉडी, या फिर वो कब बना, देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन उसकी नेचर क्या है। अब ये बहुत ही एक स्पेसिफिक सा पॉइंट है, जनरली आप ओवरलुक कर जाओगे अपनी करंट अफेयर्स पढ़ते हुए कि ये NGO है या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या इसमें सिविल सोसाइटी भी है या ये UN से इसका क्या रिश्ता है, ये UN की स्पेशल एजेंसी है, UN की सिस्टर एजेंसी है, UN के नीचे आता है या UN से कोई वास्ता नहीं है, ये आपको बताना चाहिए। देन अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज़ में आ रहा है तो उसकी वेबसाइट खोल के 2-4 लाइनें ऊपर ऊपर की पढ़ लो, एंड देन द रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज, एंड देन वेदर इंडिया इज अ मेंबर और नॉट, एंड देन वेदर इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर और नॉट। ऐसे कि ये इन्होंने स्टेटमेंट्स आज तक पूछी हैं, ये मैंने आपको सारा एनालिसिस करके एक क्रक्स बना के एक स्लाइड दे दी है, ठीक है। अब ये देखो ऐसे के क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, अब मैं उसे इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। 2014 का वेटलैंड इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो,
इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इंटर गवर्नमेंटल मीन्स कि अलग अलग गवर्नमेंट्स ही इसका पार्ट है और सिविल सोसाइटी कॉरपोरेट्स वो पार्ट्स नहीं है. ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट ये जनरली पूछते हैं और ये नोट्स में हम ओवरलुक कर देते हैं, ये ध्यान रखना. देन इट आस्क कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. ठीक है, स्पेसिफिक सब पूछा. देन IUCN के बारे और साइट्स के बारे में पूछ रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि UN से रिश्ता पूछ रहे थे. IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द UN एंड साइंस एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स. तो IUCN यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन नहीं है, तो UN से रिश्ता ये पक्का पूछते हैं. एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स. ठीक. देन IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, ये तो नॉर्मल सी स्टेटमेंट सही होगी. देन दे आस्क कि साइट्स थर्ड स्टेटमेंट ऑफ 2015 का क्वेश्चन, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट. तो लीगली बाइंडिंग है या नहीं है ये चीज भी पूछ लेते हैं. तो ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरा बिल्कुल एग्जीक्यूटिव समरी है. मैंने ब्रीफ बना रखा था, इसके बाद मैंने डिटेल के भी बहुत नोट्स बनाए हैं. इन्होंने क्लाइमेट चेंज की जो UNFCCC की अभी COP27 हुई है शायद इजिप्ट में और 26 ग्लासगो में हुई थी, उसकी एवोल्यूशन बहुत पूछते हैं. COP1 में क्या हुआ था, या फिर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आई ब्रुनेटलैंड कमीशन ने क्या किया था, या UN कमीशन या कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे क्या डिक्लेरेशन हुई थी UN. तो ऐसे कर करके इसका प्रॉपर एक एवोल्यूशन है हमारी UNFCCC की. पहले स्टॉकहोम या UN कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ, देन UNEP बना, देन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बना, देन ब्रुनेटलैंड कमीशन बना. ये सारा आपको आपकी शंकर या PMF जो भी आप नोट्स पढ़ोगे आपको मिल जाएगा. देन UNCBD कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, इस पर कार्टाजिना प्रोटोकॉल आया, नगोया प्रोटोकॉल आया, IG टारगेट्स आए. अभी तो कुछ और भी आ रहा है ना, अभी शायद चाइना में मीटिंग हुई थी उसके रिलेटेड इसका नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो आ रहे हैं. तो मैंने देखो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ईयर्स, बिकॉज आई नो ईयर्स आर इंपॉर्टेंट. ये ईयर्स भी मेंशन कर देते हैं और उस पर आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये ठीक स्टेटमेंट है या गलत है. देन रामसर वाइल्ड लाइफ में IUCN है, WWF है, साइट्स है, ट्रैफिक है, CMS है, और ये मैंने लिखे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बिकॉज दे कैन आस्क यू इन सर्टन मैनर ऑल्सो कि IUCN पहले बना था या WWF पहले बना था. देन टाइगर के रिलेटेड, देन बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम, ओजोन के लिए, मेरीन, और ये सब आराम से आप देख लेना. द आइडिया इज कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे. अब ये मेरे नोट्स देखो, मैंने वही प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके वही स्पेसिफिक नोट्स निकाल रखे थे. अब UNCBD, UN कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, मैंने अलग कलर से बोल्ड करके रेड कलर में और येलो हाईलाइट करके लिखा हुआ है दैट इट वॉज ए लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन. ठीक है, देन इट मीट्स एवरी 2 ईयर्स, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है. सिमिलरली कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी अडॉप्टेड 2000, केम इन टू इफेक्ट 2003. सिमिलरली इन्होंने पेरिस अग्रीमेंट के लिए क्वेश्चन पूछ लिया था कि पेरिस अग्रीमेंट कब इफेक्ट में आ रहा है. तो ऐसे की चीज़ें आपको करनी है. मैं नगोया प्रोटोकॉल मैंने थोड़ी थोड़ी फोटोज भी डाउनलोड करके ऐड कर दी सो दैट मेरी पिक्टोग्राफिक मेमरी इंप्रूव हो जाए. ऐसे कर करके आपको भी अपने नोट्स बनाने हैं. नहीं भी बनाने तो आप अपनी स्टैटिक की जो बुक से पढ़ रहे हो वहाँ से भी यू नो यू कैन डू इट, यू डोंट नीड टू मेक नोट्स. और जो स्पेसिफिक चीज़ें आप बोल रहे हो सिर्फ उसी के 5-7-10 पेज के नोट्स बना लो. तो अब ये है बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी. मैंने आपको सारी थीम्स कवर करवा दी हैं कि किस थीम से कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप कोडिंग करके निमोनिक्स बना के और वो यू नो फोटोज डाउनलोड करके अपने नोट्स थोड़े से बेटर मेमोरी के लिए, बेटर रिटेंशन के लिए कर सकते हो. आप अपने पीयर ग्रुप या फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो. एंड इन माई ओपिनियन एनवायरमेंट करने के लिए 2 ही मेजर सोर्सेज हैं मार्केट में, एक शंकर है और एक PMF IAS है. जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो. PMF IAS के प्लस पॉइंट ये हैं कि वो थोड़ा कलर्ड है, अलग अलग कलर यूज़ किए हुए हैं, फोटोज़ दी हुई हैं, हर टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, थोड़ी इंटरेक्टिव है. बट उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो बल्कि बहुत ज़्यादा है, शंकर वाली रिलेटिवली थोड़ी छोटी है. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबल, द कम्फर्ट यू हैव ऑन एनवायरमेंट एंड द टाइम यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एनवायरमेंट, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो. मैंने शंकर करी थी क्योंकि मेरे टाइम पे PMF थी नहीं, उसके बाद जब PMF आई तो आई जस्ट डिड द इंक्रीमेंटल थिंग्स फ्रॉम PMF. तो एज़ पर योर कन्वीनियंस यू कैन डू इट. देन PT365 करनी है, वो आपके प्रीलिम्स के आसपास आ जाएगी. मंथली कर रहे हो तो फेयर इनफ. देन मॉक टेस्ट करो, उसके एनालिसिस करो. बट आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर्स मैंने 3 बार लिखा हुआ है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास 100-150 क्वेश्चन हो गए 2014 to 2022. वो क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पढ़ लेना, खुद सॉल्व कर लेना. अगर आपने एक बार सॉल्व कर ले तो वो 150 क्वेश्चन सेकंड टाइम सॉल्व करने में हार्डली आधा घंटा लगेगा आपको, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन दोज क्वेश्चन. तो प्लीज़ वो 3-4 बार कर लेना, उससे रिपीटेड 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको आने वाले 20 क्वेश्चन में से. राइट,
सो अगर स्टिल आपका कोई डाउट है, स्टिल आपकी कोई आस्क है, अगर आपको लगता है कुछ और स्पेसिफिक पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, विल ट्राई टू आंसर इन वट एवर वे आई कैन। आई होप वॉचिंग दिस वीडियो गिव्स यू क्लैरिटी ऑन के एनवायरमेंट एंड देन बाकी सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम्स की तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, बाकी आप सब मेहनती हो, यू आर जीनियस इनफ, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द प्लान्स, ऑल यू नीड टू नो इज़ द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब अपना GS3 बूट कैंप होने वाला है ख़त्म। एनवायरमेंट की बस आपा मेंस के जो सुपर कंसाइज नोट्स हैं, प्रीलिम्स आज हो गया, मेंस के थोड़े से आपसे 2-4 पेज के नोट्स डिस्कस करने हैं, वो मैं मंडे को करूँगा। वीकेंड पे आप आराम से अपनी पुरानी चीज़ें रिवाइज करो, चिल करो। अब आप मिलते हैं मंडे 6 PM, एनवायरमेंट के मेंस के नोट्स करते हैं, देन अपना साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट बनाएं, देन वी आर डन। ठीक है जी, ये SRT हैज़ लॉन्च न्यू कोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस की भी आंसर राइटिंग करी है, सो वट एवर इज सुटेबल टू यू यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पेशेंट ऑडियंस एंड सो सॉरी मैं आज लाइव क्लास नहीं ले पाया, आई हैव टू गो फॉर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, बट आई डिडंट वॉन्ट टू यू नो स्किप योर क्लास एंड डिस्टॉर्ट योर रूटीन। तो आप भी अपनी रूटीन ख़राब मत करना, एंड आज लगा लेना क्लास और इसे रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।